अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर भालचंद्र कांगो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव मंडल का मैं सदस्य हूँ। आज जगदलपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक है थी, उसके लिए मैं यहाँ पर आया था। हम लोग बस्तर की लोकसभा सीट लड़ रहे हैं और उसकी तैयारी करने के लिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए थे उनके साथ बातचीत करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया। देश के हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खाब देख रही है कि हमको 400 सीट मिलेंगे, एनडीए को 40 और उनको 370, ऐसी वो बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके वजह से उनके सब पोल खुल गए हैं, और किस तरह से वो सरमायादार उनको पैसे दे रहा है और किस तरह से सरमायादारों का वो काम कर रहे हैं, ये जनता को साफ मालूम हो गया है। और इसीलिए वो जो है सभी सरकारी यंत्रणा का इस्तेमाल करते हुए, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए हेमंत सोरेन को जेल में डाला है, केजरीवाल को जेल में डाला है, और कई लोगों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, सबको नोटिसेस भी दे रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं, उनको मालूम है कि जनता उनकी गलत सोच की वजह से, गलत काम की वजह से उनके खिलाफ हो गई। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी तो बढ़ गई है। अभी आईएलओ का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान के बेरोजगारों में 84% नौजवान है, और ये बड़ी चिंता की बात है कि जहाँ देश में 70-80 लाख नौजवान नौकरी मांगने को आते हैं और इस देश में उनको नौकरियाँ उपलब्ध नहीं होती। सरकारी नौकरियाँ ही 30-35 लाख की वैकेंसीज हैं जो सरकार फिलअप नहीं कर रही है। उसके साथ साथ दलित आदिवासियों को जो रिजर्वेशन मिलता था वो भी कैसे कम हो, इसकी साजिश ये सरकार कर रही है। जो पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं उसके अंदर रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तो कम से कम 25 से 50 लाख रिजर्वेशन की नौकरियां इस सरकार की नीतियों के वजह से खत्म हो गई। तो ये सरकार एक तरफ गरीबों को मार दे रही है और दूसरी तरफ जो है अपना एजेंडा, जो छुपा एजेंडा है कल्चरल नेशनलिज्म का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, वो आगे बढ़ा रही है। आपको याद होगा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला दिया उसी दिन शाम को उन्होंने जल्दबाजी में सीएए का ऐलान किया। ये एक्ट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पहली बार किसी धर्म को सिटीजनशिप देने से इनकार करता है। भारत ने अब तक कभी भी धर्म के नाम पर सिटीजनशिप नहीं दी गई थी, और ये बीजेपी करना चाहती है। ये तो उसकी शुरुआत है, वो आखिर में संविधान बदल कर ये देश सिर्फ हिंदुओं का है इस तरह से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी की ये समझ है कि अगर देश के संविधान को बचाना है, देश के आदिवासियों और बाकी दलित तबकों को बचाना है, तो बीजेपी को हराना ज़रूरी है। और इसीलिए इंडिया अलायंस के साथ हम लोग जहाँ भी हो सके वामपंथी पार्टियाँ अपनी सीट लड़ा रही हैं। धन्यवाद।